हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन यानी मेरे साथ। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है कट लेंथ ऑफ डायमंड स्ट्रिप्स। जी हाँ, डायमंड की शेप की जो कॉलम की रिंग होती हैं उनकी कट लेंथ कैसे निकालते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास ये हमने लिया है कॉलम है 400x400 का ये कॉलम है और इसमें क्लियर कवर है 40 mm का और स्ट्रिप्स है का डाया है 8 mm और इसमें जो अंदर जो स्टील बार्स वर्टिकल बार खड़े हैं वो 8 nose bar हैं, 8 bar उसमें खड़े हैं। तो दोस्तों ये है हमारी स्ट्रिप जो इसका हम कट लेंथ निकालेंगे, जो डायमंड शेप की होती है वो ये है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसकी कट लेंथ कैसे निकालेंगे ये आज हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैंने ये दो डायमेंशन आप यहाँ लिखी हुई है देख रहे हैं, दोनों साइड दो डायमेंशन लिखी हुई है। ये 400 mm जो है ये आउटर टू आउटर डायमेंशन है, ये जो 320 mm ये दोनों साइड से कवर काटने के बाद है, 40 mm कवर इस साइड से, 40 mm कवर इस साइड से, ये हमने ए लिखा है। और ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी किया है, कवर काट के डायमेंशन लिखी हुई ये हमने बी लिखी है। तो कट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अगर इस स्ट्रिप का कट लेंथ निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तो ये फॉर्मूला ये रहेगा कि 4 × h, 4 4 1 2 3 4, ये हो गया h, ये और 2 × 10 × d, ये हुक के लिए हो गया। ये हुक जो है मैं आप यहाँ पे भी लिख देता हूँ, जो हुक हैं इसके वो लिए हमने 10 d, ये होते हैं हुक, ये हुक, तो ये हमने लिया है 10 d। तो ये लिख लिया हमने। अब -3 × 2 × 2, यानी कि -3, तीन बार तीन बैंड है, 1 2 3, तो इसका तीन बैंड का 2 2 d, यानी दो डाया हमने माइनस कर दिया है। -2 × 3 × d, 135 डिग्री के दो बैंड है, 1 2, तो इसके लिए 3 3 d हमने इसमें से माइनस करना है, तो वो माइनस कर दिया। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका फार्मूला। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये h जो है, ये h की लेंथ क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए जानते हैं पहले h को कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने कॉलम का एक सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, ये इसकी रिंग हो गई है, ये हुक हो गई, ये सिंगल लाइन डायग्राम है बिल्कुल, ये आप देख रहे होंगे, इसमें ये सिंगल लाइन डायग्राम हो गया है। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि एच हम लोग कैसे निकालते हैं। आपको पता है एच है ये, यहां से यहां तक का ये एच हो गया, ये एच है, और हमने इसमें ये डॉट डॉट करके इसको चार, जो अपना डायमंड स्ट्रिप है उसको चार ट्रायंगल्स में बांट लिया है बिल्कुल ऐसे। और आपको ये वाली डायमेंशन तो पता ही है, ये वाली डायमेंशन ए है हमारी और ये है 320, क्योंकि बाहर से बाहर क्या है, 400 का हमारा कॉलम है, ये 400 का हमारा कॉलम है और ये हमने इसमें से कवर माइनस किया, तो ये यहां से यहां तक की डायमेंशन क्या आ गई, 320। और अब जब हमने इसको बराबर बराबर चार भागों में बांट दिया तो ये सेंटर हो गया और यहां से यहां तक की डायमेंशन कितनी हो जाएगी दोस्तों, ए बाई में टू, कितनी हो जाएगी, ए बाई में टू, और ए बाई में टू माने कितना हो गया, 320 बाई में 2, तो ये हो जाएगा 160। तो हमारा ये साइड कितनी आ गई है, एक साइड आ गई है, कितनी आ गई, हम इसको मान लेते हैं 1, तो 1 या बेस, ये ट्राइंगल हो गया है ना अपना, एक ये एक ये ट्राइंगल हो गया है अपना, ये पूरा एक ट्राइंगल हो गया है और ये 90 डिग्री बन गया है। और आपको पता है जब हमें ये पता है और ये पता है तो हम इसको बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसको बड़ी आराम से कैलकुलेट कर लेंगे कि एच हमारा कितना आएगा। तो सबसे पहले तो हमें इसकी बेस यानी जिसको हमने 1 कहा है उसकी डायमेंशन ये कितनी आ गई, 160। अब ये वाला
ये है बी, बी साइड। तो बी के डायमेंशन ये भी आपको पता है, बी जो है वो कितना है, बी भी कितना है। अब यहां मैं लिख देता हूं, ए है अपना 320 और बी भी कितना है अपना 320। तो अब बी ये वाली डायमेंशन कैसे निकालेंगे, बी बाई में 2, यानी 320 बाई में 2 यानी कि 160। तो यानी कि अब जो परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, इस बेस को अगर इसको हम बेस माने तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसको हम लिख देते हैं दो नंबर, दो नंबर। तो ये हो गया कितना, 160। अब दोस्तों हमारे पास, अब देखिए मैं यहां बता बनाता हूं, ये हमारा एक कॉलम हो गया, सॉरी ट्राइंगल हो गया है, ये 90 डिग्री है और इसका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो ये हमें पता है बेस हो गया 160, परपेंडिकुलर पता है 160, दोनों चीज हमें पता है। और हमें पता करना है ये हाइपोटेन्यूस, ये एच हाइपोटेन्यूस पता करना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एच पता करने के लिए अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। तो एच के लिए हो गया अंडर रूट, बेस कितना है 160 इंटू में इसका स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट एच हो गया। और अब एच जो हमारा कैसे आएगा, 160 इंटू में 160 प्लस, ये तो हो गया हमारा बेस का स्क्वायर, अब इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ऐड कर देंगे प्लस, तो अब इसको कर देंगे अंडर रूट, तो ये आ जाएगा हमारा 226। यानी एच आ गया हमारा कितना आ गया, 226। ये आ गया हमारा एच, हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा एच, 226 आ गया हमारा एच, यानी कि एच की लेंथ कितनी हो गई, 226। तो दोस्तों अब हमें कंफर्म हो चुका है कि हमारा एच कितने का है, और अब सारी चीजें हमें पता है कि कौन कौन सी डायमेंशन क्या क्या है, तो हम फॉर्मूला में उसको पुट करेंगे, 4 इंटू में 226 एच की लेंथ प्लस 2 इंटू में 10 इंटू में 8 माइनस 3 इंटू में 2 इंटू में 8 माइनस 2 इंटू में 3 इंटू में 8 सॉरी। तो ये हो गया है दोस्तों, हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे पूरे को, हम सॉल्व करते एक एक को सॉल्व करके यहां लिखते चलेंगे, उसके बाद सारे को एक बार में सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया 4 इंटू में 226 904 प्लस, ये हो गया 160, ये 8 इंटू में 2, ये हो गया 10 इंटू में 8 यानी कितना हो गया 80 इंटू में 2 160 माइनस 32 जा 6 6 8 जा 48 माइनस 23 जा 6 6 8 जा 48। अब इसको कर देते हैं सोल्व, हमें पता है पहले प्लस का काम करते हैं फिर माइनस का करते हैं। अभी करेंगे कैसे करेंगे इसको, हम देखिए दोस्तों, जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेंथ आएगी 1968, यानी कि 968 mm जो है हमारे इस जो डायमंड स्ट्रिप है इसकी कट लेंथ होगी। तो ये हमारे पास आ गई है इसकी लेंथ, अगर हम ये हो गया हमारा mm में, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 968 डिवाइड बाई 1000 और ये हो जाएगा 0.968 मीटर, ये हो गया मीटर। तो ये दोस्तों हमने
आज आपको बताई सिखाई बताई है अपनी इस वीडियो में कि डायमंड स्ट्रिप की जो कट लेंथ है वो कैसे निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि डायमंड स्ट्रिप की कट लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, कुछ गलती लगी हो तो ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट है आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो हम चैनल का नाम आपको पता ही है, सिविल इंजीनियरिंग विद पवन। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, घंटे के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।